हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं, इंडियन आइडल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इंडियन आइडल कब स्टार्ट होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो कि आप लोग के साथ कोई डिस्कस नहीं किया है आज तक और करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आया हूँ दोस्तों, ऑडिशन दे के आया हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस वजह से सिलेक्शन होता है किस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, सब कुछ मैं वहाँ से एक्सपीरियंस करके आया हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और इंडियन आइडल ऑडिशन जो है इस साल निकलने वाला है, इसलिए आप लोग को मैं ये जो राज की बात है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो एट फर्स्ट जो होता है, देखिए एट फर्स्ट जो होता है, आपको कैसे वो चीज़ को पता चलेगा कि इंडियन आइडल ऑडिशन इस तारीख को होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे पता लगे, क्योंकि बहुत के ऐसे होते हैं जिनको कानो कान खबर भी नहीं होता है और तुरंत ही ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा सोनी लिव ऐप पे, सोनी लिव जहाँ उनका इंस्टाग्राम है वहाँ पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और जब भी आप लोग का आता है एड्रेस, जब आता है वहाँ पे आप लोग को अपडेट दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा, या फिर आप लोग टीवी देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा। तो ये छोटी मोटी बात है, अगर आप लोग को पता चल जाता है तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है। आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत ही मतलब बुद्धू वाला काम करते हैं, ठीक है, बुद्धू वाला काम मतलब आप लोग लाइन में लग जाते हैं, टोकन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग टोकन किस तरह से लेते हैं, जो फर्स्ट में खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि मैं टोकन फर्स्ट में ले लूँगा तो मेरा फर्स्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर कोई लाइन में खड़ा हुआ रहता है, बट जो लास्ट में रहते हैं वो भी पहले हो सकते हैं। कैसे पहले हो सकते हैं, देखिए बहुत कोई ऐसे सब्सक्राइबर मेरे हैं जो कि लेट में पहुँचता है, और लेट में पहुँचने के बाद लाइन में क्या होता है कि पीछे बहुत खड़े हो जाते हैं, उसके बाद एक एक को टोकन मिलता है, टोकन मिलने के बाद मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बता रहा हूँ अभी क्या चीज़ होता है। गेट खुलता है गाइस, ठीक है, टोकन मिलने का, टोकन मिल गया, एक नंबर दो नंबर करके सबको टोकन मिल गया। टोकन एक आप लोगों को झांसा है, मतलब झांसा दे के रखा जाता है कि टोकन दिया जा रहा है एक एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इस तरह से, बट वो चीज़ होता नहीं है कुछ, ठीक है। आप लोगों को गेट ओपन कर दिया जाएगा और कोई भी घुस सकता है अंदर, पीछे वाले आगे वाले जो कोई भी आगे जाएगा, आगे लाइन लगाएगा तो वही ऑडिशन दे पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पीछे वाले ही आगे चले गए, मतलब गेट जब खोला तो दौड़ के आगे चले गए, तो वहाँ पे वो आगे खड़े हो गए, तो आगे जो खड़े हो गए वो लाइन बन गया वहाँ से, तो वहाँ से वो ऑडिशन दे सकते हैं। मतलब ये पीछे आगे पीछे का टोकन का कुछ यहाँ पे सीन ही नहीं है, ठीक है। तो इस झांसे में आप लोग को नहीं रहना है, टोकन दे दिया जाता है उसके बाद मतलब सोचते हैं कि टोकन में ही काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप लोग को झांसा में रखा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर बात ये है कि आप लोग से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। आप लोग बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप सीखे भी हैं नहीं सीखे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए जो नहीं भी सीखा है ना, और जो सीखा है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर क्या होता है कि आपका उस तरह का टैलेंट देखा जाएगा, टैलेंट वहाँ पे तो टैलेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, छोड़ दीजिए टैलेंट, वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप टीआरपी कैसे गेन कर सकते हैं, टीआरपी उनका कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके बोलते हैं कि मैं आपका जो शो का इस तरह से मैं टीआरपी बढ़ा दूंगा, मुझे एक्टिंग करना आता है, मुझे फीमेल और मेल का वॉइस में गाना आता है और आप गा के भी सुनाते हैं, तो आपका 99% आपका चांस हो जाता है कि आप मुंबई जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए आप, अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं। नहीं तो गाइस मैं आप लोग को बताऊं, उसमें से 1% का भी मुझे जहां तक लगता है कि वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो पहले पहले किसी शो में रहते हैं, आए हुए रहते हैं, उसी को लेते हैं, 1% का भी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर उस तरह का लोगों का सिलेक्शन होता है जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, जैसे कि टीआरपी बढ़ा देगा, कोई ऐसा है जो मेल फीमेल में गाता है, टीआरपी एक्टिंग करना चाहता है, इधर दौड़ रहा है इधर कूद रहा है, कोई इम्पॉर्टेंट टाइप का कोई है, तो इस तरह का इन लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ,
आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, तो ऐसा ही है हम लोग के साथ। एक ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, आप लोग इम्पॉर्टेंट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हम लोग के साथ था। तो वहाँ पे क्या, वो उसको अलग तरीके से बुलाया गया, अलग लाइन से अलग बुलाया गया, उनको बोला गया, बातचीत किया गया, क्या है क्या नहीं है सब कुछ बुलाया गया, बात किया गया। बात करने के बाद उनका गाना भी सुना गया और बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग के साथ ही वो ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के बाद क्या हुआ कि उनका जो है गाइस मुंबई में सिलेक्शन हो गया। पता है आप लोग को वो चीज़, हम लोग को उस टाइम नहीं पता था, बट हमको कहाँ पता चला, जब वो ऑडिशन में दिखाया गया उनको। जी हाँ गाइस, इंडियन आइडल सीजन 13 में उनको दिखाया गया है, उनका ऑडिशन भी लिया गया है और वो कोलकाता के ही हैं, ठीक है, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट भी है और कभी होगा तो मैं उनसे कोलैबोरेशन भी करूँगा यूट्यूब पे। तो इस तरह से चीज़ें होती है गाइस। आप लोग को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि टीआरपी अगर आप लोग मुंबई तक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से, इस तरह का हथकंडा आप लोग को अपनाना पड़ेगा, टीआरपी आप लोग को दिखाना पड़ेगा। आप लोग अच्छा गाते हैं, बुरा गाते हैं, जो कुछ भी गाते हैं, आप लोग मुंबई पहुँच सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो यही आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा बताना था, बातचीत करना था, जो राज की बात है, जो कुछ है इसके बारे में वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। अगर आप लोग को कुछ जानने को मिला तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me.